तो कल मोदी जी ने बात करी पुतिन से कि भैया कि आप डायलॉग के थ्रू इश्यूज को रिजॉल्व कर लो यूक्रेन के साथ तो ये सारी बातें चल रही थी प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी मोदी के बीच में सो so, और इंडिया ने अपना कंसर्न भी रखा कि आप जहां वॉर कर रहे हो आप जहां पर अटैक कर रहे हो उस रीजन में बहुत सारे इंडियन नेशनल फंसे हुए हैं उसके बाद मिस्टर पुतिन ने पब्लिकली आकर ये चीज बोली कि जो यूक्रेनियन आर्मी है वो इंडियन स्टूडेंट्स को चाइनीज स्टूडेंट्स को और अफ्रीकन स्टूडेंट्स को मतलब foreign national के स्टूडेंट्स को ढाल बना रही है मतलब बना रही है कि वो लोग फंसे रहे उनकी अटैक में डेथ हो और ये nations और ये ये नेशंस नेशंस जिन nations के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे रशिया के अगेंस्ट में हो जाए ये यूक्रेन की स्ट्रेटेजी है और उन्होंने अश्योर किया है ये हमने कल भी पढ़ा था कि रशियन आर्मी जो है वो हेल्प करेगी इंडियन स्टूडेंट्स की चाइनीज स्टूडेंट्स की एंड अदर नेशन फॉरन नेशन के स्टूडेंट्स की टू

चारों नेशंस के हेड ऑफ गवर्नमेंट आए थे तो उनका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि इंडो पैसिफिक रीजन में अब हम लोग एक नया मैकेनिज्म लेके आने वाले हैं फॉर द्यूमेटेरियन असिस्टेंस के लिए एंड चीजें कितनी बदल जाएंगी बिकॉज ऑफ दिस वॉर है ना रीजन में कितनी चीजें बस लेंगे बिकॉज ऑफ दी रशिया यूक्रेन वॉर उस चीज को ही लेकर बात थी एंड देखा जाए तो क्वाड की जो तीन कंट्रीज है एक्सेप्ट इंडिया उन्होंने तो रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर उसको कंडेम किया है पब्लिकली पब्लिकली मीडिया में आकर बट इंडिया साइलेंट है इस चीज पर सो so इसी चीज को लेकर थोड़ा सा अभी इंडिया के लिए टफ हो सकता है सिचुएशन एंड uh, अभी अपन वर्ल्ड न्यूज में पढ़ेंगे भी इंडिया के लिए टफ क्यों हो जाएगा और फिर यही है इंडिया ने भी यही बोला कि हमें ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस पहुंचाना चाहिए आपका यूक्रेन में और यूक्रेन और रशिया का जो इशू है वो डायलॉग के थ्रू रिजोल्व होना चाहिए मूविंग फॉर दो सो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अपनी कैपिटल चेंज नहीं कर सकता ठीक है ये चीज उन्होंने बोल दिया है क्योंकि जब हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे जगनमोहन रेड्डी के पहले चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने बोला था था कि कि और उन्हीं के, उन्हीं के के पीरियड में क्या हुआ आंध्र प्रदेश का हुआ था आंध्र प्रदेश दो स्टेट्स में डिवाइड हुआ एक बना तेलंगाना और एक बना जो कोस्टल पार्ट पूरा कैप्चर करता है दैट इज आंध्र प्रदेश और हुआ क्या जो पहले आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल थी हैदराबाद अब वो हैदराबाद सिटी कहां चली गई आपकी तेलंगाना में चली गई है ना तो अब आंध्र प्रदेश एक नई कैपिटल बननी चाहिए थी तो उन्होंने बोला कि अमरावती एक नई कैपिटल बनाई जाएगी बट लेकिन जब उनकी रिजीम चेंज हुई जब, जब जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश में हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो सारे रीजन में आपका नॉर्थ नॉर्थ आपका सेंटर एंड साउथ में इसी के चलते हम लोग तीन कैपिटल बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ठीक है फिक्स भी कर दिया था कि विशाखापटनम कुरनूल और अमरावती ये तीन कैपिटल्स होंगी तीनों तीनों रीजन में डेवलपमेंट होगा है ना तो डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ़ पावर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दी कैपिटल्स बोल सकते हैं हम लोग उस चीज को लेकर इशू जो था वो हाई कोर्ट में भी था बहुत बात आगे बढ़ गई थी एक्ट भी पास कर दिया था फिर एक्ट एक्ट में चेंजेस आए तो को भाई रिवोक भी किया गया फिर तो जब ये इशू हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने क्लियरली कल बोल दिया है फाइनल जजमेंट दे दिया है और उन्हें सिंपल सी बात बोली है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के पास लेजिस पावर नहीं है वो इतना लेजिस कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो कि वो आपका कि वो कैपिटल को शिफ्ट कर सके कैपिटल को बाइफर्केट कर सके या टाइफरकेट कर सके मतलब तीन में डिवाइड कर सके नहीं कर सकता यह चीज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोल दी गई है बाई दी कोर्ट ये उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में है ही नहीं मूविंग फॉर सो व्हाट हैपेंड तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर इन दी लोकल इलेक्शंस में बहुत थोड़ा सा क्योर्स बना हुआ है महाराष्ट्र में क्योंकि महाराष्ट्र ने पहले रिजर्वेशन दे दिया था कि भाई हम लोग जनरल हम लोग लोकल इलेक्शंस जो होते हैं म्यूनिसपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन उसमें ओबीसी के, के रिजर्व रिजर्वेशन देंगे अब हुआ क्या आंध्र प्रदेश जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने, ने क्वेश्चन पूछा आपने किस बेसिस पे दिया क्योंकि रिजर्वेशन की पहली क्राइटेरिया यही होती है कि आपके पास डेटा हो डेटा हो तब जाके आप रिजर्वेशन दे पाओगे तो हुआ क्या महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसकी रिपोर्ट उन्होंने इंटरम रिपोर्ट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरम रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से तो बताया था उस रिपोर्ट में ये बताया था कि इतनी पॉपुलेशन है इस बेस पे हम लोग दे रहे हैं तो अब हुआ क्या फाइनली कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आप सीट रिजर्व नहीं रखोगे ओबीसी के लिए तो अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि वो लोग एक रेजोल्यूशन के थ्रू या बोल सकते हैं एक आ, सीधा रेजोल्यूशन मतलब एक एक सिंपल से लेजिस्लेशन में एक एक्ट पास करेंगे एक ऑर्डर पास करेंगे और हम लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे लोकल बॉडीज के जब तक ओबीसी को रिजर्वेशन रिस्टोर नहीं हो जाता Moving further, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम सिटी न्यूज को स्किप करेंगे में क्या क्या? है हमारे लिए important news. So yes. so हुआ क्या? देखा जाए तो तेलंगाना में जो गवर्नमेंट है ना आपकी टी आर एस की तेलुगु राष्ट्रीय समिति है ना तो हुआ क्या कि उनकी जो लीडर है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर के, के चंद्रशेखर राव उनका ये कहना है कि देख, ये कहना है कि हमें अब बीजेपी के लिए एक फ्रंट बनाना पड़ेगा बीजेपी के अगेंस्ट एक फ्रंट बनाना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस को लोग अपोजिशन समझते हैं बट रियलिटी में कांग्रेस ऐसा काम कर नहीं रही है है ना देखा जाए केसीआर की के जो पार्टी है वो हमेशा से 2020 तक आपका बीजेपी या एनडीए का सपोर्ट करती थी एनडीए का पार्ट तो नहीं थी बट एनडीए का बाहर से सपोर्ट करती थी बट उन्होंने अब ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जिससे ये पता लग रहा है कि वो अब चाहते हैं कि हम एक सेकेंड फ्रंट खड़ा करें एक गठबंधन बने जितने भी बीजेपी के अपोजिशन के लोग हैं एक्सेप्ट आपका कांग्रेस जैसे कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहते हैं राकेश चगेत से कल मिले प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई जेडीयू से भी मिले जेडीयू के जो चीफ हैं नीतीश कुमार से भी मिले और बहुत सारे लोगों से वो मिल रहे हैं आप उद्धव ठाकरे से मिले है ना तो ये ऐसा बना रहे ग्रुप बना रहे कि बीजेपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन सके

और जो बजट का अमाउंट है इट्स अराउंड टू लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज एंड बताया जा रहा है कि ये लास्ट ईयर के बजट से फाइव सिक्स करोड़ रुपए ज्यादा है एंड सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस बजट में तो वो कौन सा से सेक्टर है एजुकेशन ठीक है सबसे बड़ा जो पैसा गया है सबसे बड़ा जो शेयर गया है इस बजट में वो एजुकेशन सेक्टर में गया फिर उन्होंने फार्मर्स ट्राइबल्स और फिशरमैन के लिए भी और का प्रोडक्शन को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे Provisions और बहुत सारा बहुत अच्छा शेयर दिया है इस बजट में Moving further, so Congress, की जो गवर्नर है ना भगत सिंह खोसियारी तो वो थोड़े से अभी कॉन्ट्रोवर्सियों फंसने की कोशिश कर रहे हैं है ना हमने पढ़ा था कि अभी उन्होंने शिवाजी को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि एक पर्सन सेंट वो शिवाजी के गुरु थे तो उस चीज को लेकर एक एक आउटरेजियस हो गया था एक एक ऐसा बीजेपी के ही जो पर्सन है जो भोसले फैमिली से बिलोंग करते हैं शिवाजी के डिसेंडेंट छत्रपति शिवाजी के डिसेंडेंट थी उन्होंने इस चीज का अपोज किया था और अब उन्होंने ये बोल दिया उनका एक वीडियो गया और वो जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं चाइल्ड मैरिज के सावित्रीबाई बाई फूले और चाइल्ड मैरिज के रिफॉर्मर्स थे और उनके विडो विडो ज पर उन्होंने बहुत काम किया था उन्होंने लोअर कास्ट अपर कास्ट में जो होती हैं अपर कास्ट एट्रसिटीज करता है लोअर कास्ट के ऊपर उसको रेडिकेशन में उन्होंने बहुत सोशल रिफॉर्म्स किया था तो उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट दिया आपके सावित्रीबाई फूले के अगेंस्ट ही कि चाइल्ड मैरिज उन्होंने करी थी और आ, वो उनके दिमाग में क्या रहा होगा जब उनकी तेरह साल में शादी हुई थी आपकी सावित्रीबाई फूले की दस साल में शादी हुई थी आपकी ज्योतिबाई फूले से उस चीज को लेकर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी फंस रहे हैं मूविंग फॉर दर ऑन दियल पेज तो आज हमारे तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है दर्स्ट वन इट्स इट्स पढ़ेंगे तो यूक्रेन वॉर में इसको अपन पढ़ने वाले हैं एंड थर्ड वन इट्स अबाउट द केयर इनफॉर्म्ड बाई डेटा ये चीज अपन को पढ़नी है ठीक है चलो सो आर फर्स्ट एडिटोरियल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है लगेगा बहुत डिफिकल्ट बट है नहीं यहां पर ऑथर ने बोला कि जब हम इंडिया की बात करते हैं और इंडिया के साथ साथ उन नेशंस की बात करते हैं जहां पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और जहां पर इलेक्शंस पे ज्यादा फोकस होता है तो होता क्या है उन पे? उन नेशंस नेशंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, पे ज्यादा डिबेट नहीं होती है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें हैं कि आती हैं जैसे इंडिया को एग्जाम्पल दिया कि आती है और चली जाती है पता ही नहीं लगता उन पर कोई डिबेट ही नहीं पाता। हो पाता फेड हो जाती है पब्लिक व्यू से अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपका, आपका एग्जाम्पल दिया आपका, का, कि एक समय पे कितना ज्यादा वो हुआ था मतलब कितना ज़्यादा हाइप हो गया था है ना लेकिन उसके बाद फेड हो गया किसी को कोई पता ही नहीं लगा वेयर इज ए आई समथिंग लाइक दैट तो उसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला कि देखो हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ना डिबेट होनी चाहिए है ना पब्लिक व्यू होना चाहिए सबका उन्होंने एग्जांपल दिया दे कि देखो अभी रेबैन ने फेसबुक के साथ मिलकर एक अपना ग्लासेस उतार रहे थे स्मार्ट ग्लासेस उतार रहे थे दैट इज स्टोरीज अब वो स्टोरीज क्या था उन ग्लासेस में आप पहनकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फोटोज ले सकते हो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट दी परमिशन ऑन दी नॉलेज ऑफ दी

है ना स्टेट इंटरफेयर स्टेट इंटरफेयर कर सकता है हमारी प्राइवेसी से कूल cool इस वजह से भाई एक नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है लेकिन उस चीज को लेकर कोई डिबेट नहीं करना चाहता वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस चीज को बहुत बू मिलेगा है ना मतलब विदाउट एनी बू ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो जाएगी और चली भी जाएगी उसका रीजन ये है कि हम लोग डिबेट नहीं करते लोगों को राइट्स ही नहीं पता कि भाई आप अगर एक ग्लास पहनोगे तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है यही चीज बताएगा फिर ऑथर ने बोला कि देखो मैं अपना जो एडिटोरियल है ना वो फो, सिर्फ फोकस रखना चाहता हूं जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि आप एक आ, का दूसरे के से ट्रांसप्लांट कर दो मतलब जैसे हमने याद हो तो एक न्यूज पढ़ी थी कि के, के अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिलैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पर एक इंडियन साइंटिस्ट है जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है पाकिस्तानी ऑरिजन का है उसने ह्यूमन uh, हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है पिक के हार्ट से सो so, आप एक पिग का हार्ट ह्यूमन के हार्ट में लगा रहे हो ह्यूमन ह्यूमन के बॉडी में लगा रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब आप एक स्पीसीज के ऑर्गन को दूसरे स्पीसीज के ऑर्गन दूसरे स्पीसीज की बॉडी में आप ट्रांसप्लांट कर दो तो उन्होंने इस चीज में बताया उन्होंने बोला कि देखो हमें इस चीज पर डिस्कस करना चाहिए जेनो ट्रांसप्लांटेशन पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन साइंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है है ना इस चीज पर डिस्कस किया फिर उन्होंने बताया कि देखो उन्होंने तीन केस डिस्कस किया तो पहला केस उनका जो था वो न्यूयॉर्क कि न्यू न्यू किडनी और बहुत सारा ये सारी चीजें चेंज की गई सक्सेसफुल रहा वो फिर उसके बाद सेकंड केस रिपोर्ट हुआ था यूनिवर्सिटी वाला जो अपने डिस्कस भी किया था याद करो जो कि जो मेन डॉक्टर जो है जिसने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया वो पहले इंडिया में था तो इंडिया के ऊपर में केस भी हो गया था क्योंकि उस पर्सन की डेथ हो गई थी जब उसने जीनो ट्रांसप्लांटेशन किया था लेकिन अभी जो उसने किया है वो सक्सेसफुल रहा फिर थर्ड केस उन्होंने जर्मनी का बताया कि जर्मनी में भी जीनो ट्रांसप्लांटेशन हुई ये देखो तो ये तो केसेस हैं ये तो आप आराम से पढ़ लोगे बट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट इधर कि देखा जाए तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या इश्यूज हो सकते हैं ये डिस्कस किया ऑथर ने बोला कि देखो दो टाइप के इश्यूज होंगे एक मोरल इश्यूज एक सोशल इश्यूज जिसमें से दो मोरल इश्यूज हैं और एक सोशल इश्यूज है टोटल तीन इश्यूज हो रहे होने वाले हैं तो पहला इशू उन्होंने बोला कि पहला जो मेन इशू जो है वो ये है कि इंडिया में हम लोग डिस्कस नहीं करते आपके साइंटिफिक टेंपरामेंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर द आर्टिकल 51 ए अब साइंटिफिक टेंपरामेंट का मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट इज समथिंग अनुडो सूडो साइंस सूडोसाइंस मतलब ऐसी साइंस जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है बस हम लोग कहने पर चलते हैं जैसे कि आप गाय का यूरिन पियोगे तो कैंसर से ही हो जाएगा कोविड से हो जाएगा तो जैसे सूडो साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब रियलिटी में हम लोग साइंस पे बिलीव करें साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करें जो प्रूवन है उस पर हम लोग बिलीव करें इज साइंटिफिक टेंपरामेंट तो उस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं होता क्योंकि वो फंडामेंटल राइट right है नहीं फंडामेंटल ड्यूटी है तो हम लोग अगर हम लोग डेवलप भी करना चाहें तो हम लोग नहीं भी डेवलप कर सकते हैं ना अगर मुझे साइंटिफिक टेंपरामेंट डेवलप करना है तो मैं करूंगा नहीं करना है तो नहीं करूंगा बिकॉज नॉट बाइंडिंग इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोरल ऑब्लिगेशन लग सकता है लोगों के ऊपर दूसरा जो है वो हो जाएगा एनिमल राइट्स मूवमेंट की वजह से क्योंकि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करोगे तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा कि आप एनिमल्स के राइट को इग्नोर कर रहे हो तो जो एनिमल uh, राइट के जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे जो एनिमल राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन uh, है वो इस जेनो ट्रांसप्लांटेशन के अगेंस्ट खड़े होंगे है ना तो एक डेलिमाम एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि क्या ह्यूमन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एज कंपेयर टू डेड डेड एनिमल एनिमल किलिंग ऑफ एन नॉट एनिमल तो क्या ये सारी चीजें हैं ये दो मोरल इश्यूज बताए तीसरा जो सोशल इश्यू यहां पर होता है नहीं बोला वो ये बताया है कि देखो पिग देखा जाए तो एज कंपेबल टू द ह्यूमन बॉडी मैच करता है और जेनो ट्रांसप्लांटेशन में सबसे पिग पिग का ऑर्गन हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लेकिन पिग को हम लोग डर्टी एनिमल कंसिडर करते हैं हम और एक रिलीजन रिलीजन पिक को डर्टी एनिमल माना जाता है उस रिलीजन में मतलब पिक को बात करना भी एक तरीके से आ, क्या बोलते हैं उर्दू में एक वर्ड है क्या बोलते हैं जस्ट फॉर्डिंग टर्म राइट नाउ मतलब पिक का शब्द का यूज करना भी न, नेगेटिव वे में लिया जाता है है ना पॉजिटिव वे में नहीं उनके लिए जैसे जैसे अपने हिंदू रिलीजन में गाय को मारना इट्स अ रॉन्ग थिंग तो उनके रिलीजन में पिग का मीट खाना इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग है ना और पिग की बात भी करना इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग ठीक है गुना है एक तरीके से फिर ऑथर ने फिर यही बोला कि देखो क्या ये जो मॉरल इश्यूज और सोशल इश्यूज मैंने बताए हैं क्या वो वाइडर है एक ह्यूमन बॉडी को बचाना और उन्होंने फिर यह बताया कि देखो जेनो ट्रांसप्लांटेशन की हम बात करते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन ना इलीगल और इमोरल मार्केट जो है ह्यूमन ऑर्गन्स का उसको रिड्यूस करता है जिसमें बच्चों को और लोगों को अपडक्ट किया जाता है और उनके ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जाता है है ना तो ये सारी चीजें रुकेंगी लेकिन ये अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन की बात तब लोगों को समझ में आएगी जब डिबेट होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिबेट होती ही नहीं इंडिया में तो लोगों को पता ही नहीं कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन से कितने बेनिफिट होंगे ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली मूविंग फॉर दो नॉट टेकिंग साइट तो यहां पर ऑथर ने यही बताया है कि अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजिजन पास किया गया था सॉरी उस रेजोल्यूशन में उस रेजोल्यूशन में हुआ क्या कि आपका वन फोर्टी कंट्रीज ने उस रेजिजन का सपोर्ट किया जो कि कंडेम कर रहा था स्ट्रॉन्ग टर्म यूज कर रहा था Russia's के अटैक ऑन यूक्रेन को लेकर और डिमांड कर रहा था कि रशियन ट्रूप्स को इमीडिएटली विद्रॉ कर देना चाहिए फ्रॉम दी आपका यूक्रेन है ना उसमें 141 कंट्रीज कंट्रीज सपोर्ट किया आउट ऑफ 153 और बाकी पांच कंट्रीज ने अपोज किया जिसमें से एक कंट्री तो रशिया ही है बाकी फोर कंट्रीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बेलेरस है साउथ कोरिया साउथ नॉर्थ कोरिया है एंड सीरिया uh, है एंड दर इज अनदर कंट्री ठीक है और बल्कि थर्टी फाइव कंट्रीज एबसेंट रही जिसमें यू चाइना और इंडिया रहे उन्होंने वोट नहीं किया लेकिन देखा जाए तो तो इंडिया इंडिया को ने बोले इंडिया को बोला कही देखो कहीं कहीं ना साथ तो देना पड़ेगा यह तो क्लियर है कभी ना कभी साथ देना पड़ेगा क्योंकि जब पास्ट वीक की बात करें तो इंडिया तीन वोट्स में रहा है दो प्रोसीजरल और एक आपका आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन वाले में जो रशिया के लिए क्रिटिकल था उसमें भी एब्सेंट रहा इंडिया तो देखा जाए तो ये दिखता है अगर आप एब्सेंट हो रहे हो तो इससे ये फेस ऑफ इट दिखता है कि इंडिया जो है ना रशिया के साइड में है खुल के नहीं आ रहा बट रशिया के साइड में है और इंडिया अपना प्रेजेंस दिखा रहा है ऑन द डिप्लोमेसी कि भाई आप डिप्लोमेसी का डिप्लोमेसी यूज करो रशिया यूक्रेन के इश्यूज को लेकर है ना और

है ना और यहां पर ऑर्फेनोड की डेफिनेशन दी गई तो ऑर्फिनोड की डेफिनेशन मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना एक पेरेंट सिंगल पेरेंट या बोथ पेरेंट्स को दिया हो तो वो ऑर्फिनेड में आएगा ठीक तो है बिकॉज ऑफ द कोविड नाइनटीन ठीक है तो ऑर्थन ये बताया कि देखो एक इंटरनेशनल मेडिकल मैगजीन है लेंसेंट बहुत सुना है इसके बारे में तो लेंसेंट ने बताया था कि इंडिया में ही बिकॉज ऑफ कोविड 19 19 लाख ऑफ चिल्ड्रन बिकम ऑर्फेंट अब लेकिन ऑर्फेंट की डेफिनेशन अलग है ऑर्फेंट डेफिनेशन क्या है कि आपने अगर एक पेरेंट की भी एक पेरेंट को भी आपने गवाया है या दोनों पेरेंट को भी गवाया है या आपके कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ हुई है तो भी अब ऑर्फेन में कैलकुलेट की जाओगे तो 19 लाख ,00 जो है वो इंडियन

देखा जाए तो जब लेंसेंट के ऑथर्स ने ये भी बोला गया ये फाइंडिंग दी गई कि जो नंबर ऑफ बच्चे ऑफिन हुए हैं कोविड 19 में वो लास्ट के छह महीने में ज्यादा बढ़ गए एज कम्परिजन टू द फर्स्ट मंथ्स ऑफ तो इसी के चलते इंडिया अपोज करता है इस 19 लैक ऑफ एस्टिमेशन को और बोलता है कि ये ये सिटीजन्स के बीच में पैनिक फैलाने के लिए ये सारा डेटा दिखाया जा रहा है बल्कि इंडिया की भी एक कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट उन्होंने भी अपना एक एक पोर्टल के थ्रू उन्होंने अपना डेटा बताया बाल स्वराज पोर्टल के थ्रू कि इस COVID 19 में हाँ बच्चे अबेंट थिंग है, है कि गवर्नमेंट को एक मैसेज देता है कि नाउ इट्स एन अर्जेंसी गवर्नमेंट जो है इन बच्चों केयर के साथ इनकॉर्पोरेट करे है ना कोविड 19 मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में उनको इनको इंक्लूड करें ठीक है और एक अम्ब्रेला बनाया जाए जिसमें इन बच्चों को पॉवर्टी वॉयलेंस डिस्टीट्यूशन और लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर से बचाए ठीक है इन सब चीजों से पता है और फिर आगे उन्होंने फिर यही लिखा है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिहेबिलिटेशन प्लान बना दिया है जिसमें अडोप्शन फॉस्टर केयर एजुकेशन और हेल्थ केयर को लेकर सारे सारे प्लान्स हैं बट ऑथर uh, का यही कहना है कि हमें थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए और एक 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 अम्ब्रेला बनाना एक बनाना बनाना चाहिए जिस सारे के बच्चे एक ही में आ so, जितने बच्चे खार्किफ में है वो खार्कि छोड़ दें कैसे ना कैसे करके सो so, एक chaos तो पैदा हुआ था बच्चों के बीच में कि आपने इतना डिले क्यों बताया आपने इतना लेट क्यों बताया बट स्टूडेंट्स ने खारकीफ को कैसे ना कैसे करके उन्होंने छोड़ दिया है कुछ लोग पैदल वॉक किए कुछ लोग बस में गए बहुत सारी चीजें से हुआ फाइनली लेकिन खारकीफ से इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो निकल चुके हैं लेकिन अभी भी उनको रेस्क्यू नहीं किया गया खारकीव से निकले बस सो सुप्रीम कोर्ट भी एक इशू को

अटॉर्नी जनरल को बुलाया के वेणुगोपाल आए और के वेणुगोपाल को डायरेक्शन दिया उन्होंने बोला कि देखो गवर्नमेंट की जितनी बिल्डिंग्स हैं पोलैंड में यूक्रेन में वो इंडियन स्टूडेंट्स को यूज करने दो उनको फूड प्रोवाइड करो और उनको पानी प्रोवाइड करो वाटर प्रोवाइड करो जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको प्रोवाइड करिए मूविंग फॉर्द अच्छा ये इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये जरूर पढ़ना ये लिख लेना एक जगह नोटबुक में ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या ठीक है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो

ये चीज बताइए देन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी आई है कि देखो वैक्सीन का जीरो वेस्टेज होना चाहिए यहाँ पे इंश्योर करेंगे है ना अब हो सकता है कि भाई जो वेल्स आते हैं वेल्स मतलब अब शीशी जो आती है अब एक शीशी में चार या पांच लोगों को वैक्सीन लगती है है ना तो एक बार जगह सीटी गई तो शीशु को आपको पूरा यूज करना पड़ेगा तभी आपने देखा होगा वैक्सीन सेंटर पर अगर आप जाते हो गए कभी गए हो आप गए हो गया बात है तो आपने देखा होगा कि आपको वेट करना पड़ता है जब तक पांच छह लोग ना आ जाए अब वो रीजन यही है कि वेल तभी खुलती है जब चार पांच लोग ना आ जाए नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाता है ठीक है फिर उसी चीज को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री का एडवाइजरी है कि देखो जीरो वेस्टेज होनी चाहिए वैक्सीन की अगर लोग नहीं लगवाने आ रहे हैं तो जब एक्सपायरी होने लगे वैक्सीन उसके दो तीन दिन पहले आप हमें भेज दो है ना एक्सपायरी वेल भेज दो हम उसको रिप्लेस कर देंगे लेकिन फेंको मत उसको वेस्ट मत करो यूएस ऑफिशियल कौन से ऑफिशियल असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर द साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोन लू उन्होंने ये बोला है कि इंडिया में मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी कंडेम किया जाता है और उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी लिमिट किया जा रहा है और एनजीओ को भी लिमिट किया जा रहा है ये उन्होंने बताया और इवन उन्होंने बोला कि कश्मीर में दो तीन साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर रहे देखो ऑब्वियसली यूएस है यूएस तो डेमोक्रेसी के झंडा लेके घूमता रहता है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट फर्ना टिकाना उसको खुद के अपने एक्ट नहीं दिखाई देते बट दूसरों के एक्ट दिखाई देते हैं कि भाई हम तो बॉस नेशन है और हम चाहते हैं कि आपके नेशंस में जब डेमोक्रेटिक बोल रहे हो तो ह्यूमन राइट ब्रीच नहीं होना चाहिए आ, आ, नहीं होनी चाहिए उस चीज को लेकर उन्होंने यूएस ऑफिशियल ने बताया है कि भाई इंडिया में ऐसी चीजें हो रही हैं देखो हां जो भी है यूएस का इन्फ्लुएंस है तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड ऑर्डर में इन्फ्लुएंस है लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है उसका बिकॉज ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ रशिया मूविंग फॉर्दर ऑन वर्ल्ड न्यूज सो so, व्लादिमिर पुतिन ने बोल दिया है कि हमारी आर्मी जो है यूक्रेन में जो ऑपरेशन चल रहा है वो प्लान तरीके से हो रहा है बिल्कुल सही सटीक तरीके से हमने प्लान किया था वैसे ही हो रहा है मूविंग फर्दर सो कल ना कल एक थोड़ा सा क्योस क्रिएट हुआ है ना कल डोनाल्ड uh, डू ने भी स्टेटमेंट दिया इंडिया के अगेंस्ट भी कि भाई इंडियन नेशंस क्या कर रहे हैं उसके बाद एक चीज और हुई कि एक यूएस ने uh, कोई एफर्ट नहीं लगाया है ना यूएस ने कोई अभी तक एफर्ट नहीं लगाया कि इंडिया के ऊपर सेंक्शंस लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए लेकिन हो सकता है अब स्टेप लग जाए क्योंकि इंडिया एबसेंट रहा है तीन मेजर वोटों से जो रशिया के अगेंस्ट में थे है ना और यूएस पुश नहीं कर पा रहा इंडिया को तो ये यूएस का फेलियर माना जा रहा है मूविंग फॉर्दर ऑन द बिजनेस न्यूज ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो Uh so this is the analysis of today's newspaper we will meet with some exciting news, exciting current affairs till then bye bye, have fun and enjoy your day, bye bye guys